नमस्कार। कुछ लोगन के कहाव है कि यह देश संविधान से चली कौनो आस्था से न चली, संविधान से चली। लेकिन यह कौने संविधान में लिखा है कि एक SHO एक कौनो नाबालिग के रेप कई दे, जौन नाबालिग एक थाने में जाए के मदद मांगे जाती, एक थाना अध्यक्ष के पास अपने दुष्कर्म पीड़िता रहा थी, वह चार लोग ओखर बलात्कार करा थे, ओखर रिपोर्ट लिखावे जाती कि हमारे साथ यह यमे के कृत्य भा है। लेकिन ओखे साथे थानाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट न लिख के ओखे साथे फिर रेप की घटना का अंजाम दे दिन जात है। कौने संविधान में लिखा है कि यमे के ही कानून, कौने कानून की किताब में यमे के लिखा है, जौन थाना में बैठ रहा वा करा थी वर्दी लगाए फित्ती लगाए, तो कामे के संविधान और यमे के कानून पढ़ावा जात है कि केहू के मदद करे के बजाय उनका शोषण कैले। लगभग यह हर थाना में ही आज डेट में ही देश में जितने थाना है तो आम पब्लिक जेके साथ दुराचार होता है, जेके साथ दुर्व्यवहार होता है, जेके साथ घटना घटा थी, जौन फरियादी है, फरियादी वो अगर थाने में जात है तो उससे क्रिमिनल के नाई व्यवहार कीन जात है भाई, और ओखा क्रिमिनल है के नाई उसे सलूक कीन जात है। वजह मात्र यह रहा थी खौफ, वर्दी के खौफ में शायद सामने वाला कुछ माल पानी निकाल दे। नमस्कार, जय भीम। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा, अपना पंच देखी लखन बाढ़ भट टाइम्स में बघेली संवाद। यह संवाद में अपने का बताई कि आज जौनिया हम कहानी स्टोरी लेके आए हैं, यह ललितपुर से है। अपना का बताई कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में ही एक SHO एक ऐसे वारदात का अंजाम देत है कि अपना पंच सुना तो अपना पंचन के ही पुलिस से भरोसा उठ जाई। अपने को बताई कि एक 13 साल के बच्ची के साथ है जौन दुष्कर्म पीड़िता रहा थी, जौनी के साथ चार लोग चार युवक बंधक बनाए के ओके साथ दुष्कर्म करा थी, कैसनों के वो चार लोगों से छूट के आवा थी थाना, तहन थाना में ही ओके साथ SHO दुष्कर्म करत है। आखिर वो नाबालिग जाए तो जाए कहा के पास अपने न्याय की गुहार लगावे, ओखर तो सब भक्षक बने हमा। ऐसा ये घटना है, अपना का बताई कि जौन घटित भई वह ललितपुर में ही का होत है कि एक युवती रहा थी वह 13 वर्षीय, वह युवती के साथ है चार युवक दरिंदगी करा थे, मैं ओखा रात भर अपने गिरफ्त में ले रहा थे, किडनैप कर रहा थे, ओके साथ दुष्कर्म जैसे वारदात का अंजाम दे थे। कैसनों के वो युवकन से छूट के आवा थी युवती 13 वर्षीय मासूम, अपने मौसी का बतावा थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा भा है। मौसी जाती वह थाने, जौने थाना में ही तिलकधारी सरोज पदस्थ रहा थे, ही SHO वहीं थाना अध्यक्ष आई, इनके पास मौसी जाती वह नाबालिग 13 वर्षीय मासूम कलई के, लेकिन मौसी से सौदा कैडारा थे ये SHO। सौदा का होता है कि थाना परिसर में ही एक वह थाना अध्यक्ष के रूम रहा था, वह थाना अध्यक्ष वह युवती का ही लेके जात है वह रूम में अपने साथ अकेले, आओ दुष्कर्म जैसे अपराध का फिर से वारदात का अंजाम देत है। जौन 13 वर्षीय मासूम जौन अबे चार जने जेखा नोच चुके रहे, ओहिन का एक SHO एक थाना अध्यक्ष जौन संविधान के कानून के रखवाला है, जौने के साथ थे, जौने के लगे लोग गुहार लगावे जाते, वह 13 वर्षीय मासूम का फिर नोच डाली, अब ओके मौसी का ही कुछ ओके बदले में ही कुछ धनराशि दे दे था वह ओके 13 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कृत्य करत के एवज में ही। यह दौरान वह युवती जौन 13 वर्षीय रही, यह दौरान ओखा अचानक पेन हो लागत है, जब पेन हो लागत है तो ओखर मौसी अस्पताल लेके जाती वह अस्पताल में ही अपना का बताई कि चाइल्ड केयर के हवाले करा थी ओखर मौसी वह 13 वर्षीय बालिका का ही चाइल्ड केयर ओखर इलाज शुरू करत है, तब वह चाइल्ड केयर का पता लागत है कि यह मासूम के साथ ही रेप भा है। लेकिन जब ओखर चाइल्ड केयर वाले का यह पता लागत है कि यह मासूम के साथ है, थानेदार थाने में जाते ही कीन गई ही चाइल्ड केयर वाले सन्न रह जाते, और वह मासूम का लेके जाते पहुँचते SP के पास, SP के पास पूरा
जौन वह मासूम के साथ भर हाथ है वह बयां करा थी। जौन थाना में होत हवा वह थाना में ही पूरा वह नाबालिग 13 वर्षीय एसपी का बतावा थी कि हमारे साथ यह यमे के उच्चार लोगन से लेके थाना अध्यक्ष तक यमे के वारदात का अंजाम देनी थी। एक ही जैसे वह थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज का यह भनक लागा थी कि वह युवती एसपी कार्यालय पहुंच चुकी है। वह थाना अध्यक्ष अपना का बताई कि फरार हुई जात है। एसपी कार्यवाही करा थे, एसपी 29 जने वह थाना में ही पुलिस बल रहा थे, 29 लोग रहा थे, 29 का पूरे थाना का लाइन हाजिर कर दे थे। लाइन हाजिर करे के बाद एसएचओ सहित 6 लोगों के ऊपर पास्को एक्ट और आपराधिक प्रकरण दर्ज होत हवे। जौने माही उ 4 युवक जौन युवती का बंधक बनाए रहे। एसएचओ जौने के पास वो 13 वर्षीय मासूम शिकायत लेके आई रही है तो वह शिकायत के एवज माही ओखा नोच खात है। वह एसएचओ और वह मौसी जौन वह 13 वर्षीय मासूम के सौदा कर दे थी। इन 6 लोगों के खिलाफ पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होत है और इस फरार आरोपी का ही इनकर धरपकड़ शुरू हो जाती। एक ही सबसे पहले एसएचओ के तलाश की इंजात है कि आखिर यह एसएचओ कहाँ है। तो अपना का बताई कि एसपी महोदय 3 पुलिस दल बनावा थे। जौने वाही जहाँ जहाँ संभावना रहा थी भाई कि इहन इहन यह एसएचओ मिल सकत है, इहन इहन वह एसएचओ हो सकत है, उहन उहन छापेमारी शुरू कर दी जाती। छापेमारी की जाती कौशाम्बी माँ बांदा माँ पाली माँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही और एसएचओ का ही प्रयागराज के ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीप से गिरफ्तार कर ली जात है और पुलिस गिरफ्त में आ जात है। फिलहाल 3 लोगों का गिरफ्त में ले ली गया हवा, लेकिन अब कुछ लोग फरार है जेखा जल्द दिन गिरफ्त में ले ली जाई। का एक आरक्षण कर्मी जेखा आरक्षण मिलिया थे वह थाना संभाले के लायक रहा थे, का पुलिस बन गए से वर्दी पहन लिए से संविधान और कानून की रक्षा हो पावा थी, यह तो देखे वाली बात ही अपना पंचन के सामने है। फिलहाल 8 और 9 तारीख का ही यूपी में ही ललितपुर योगी आदित्यनाथ सीएम मुआयना करे वाले हैं। अब यह स्थित में ही 24 घंटे के ही पुलिस का ही या टाइम लीन गया हवा कि 24 घंटे के अंदर यह केस के पड़ताल कई के आरोपी का ही चाहे पाताल में छुपे हों चाहे आसमान निकल गए हों आरोपी का ही जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए। अब यह देखे वाली बात होती है कि का आरोपी गिरफ्तार हो पावा थे, का आरोपी सीएम के आवे के पहले सीएम के सामने पेश हो जाएगी, अब यह आगे देखे वाली बात हो। फिलहाल ये युवती के केस में ही अपना का बताई कि आईजी लेवल की जांच चल रही है। अब यह जांच के बाद यह पता चला था कि आखिर यह युवती के साथ ही इंसाफ होता है कि आखिर युवती का ही पैसा और पदोहदा के नीचे दबा दी जात है। अब यह आगे देखे वाली बात होती। हालांकि यूपी योगी आदित्यनाथ के राज हवे वहाँ पैसा अब पदोहदा न चल पाई। अब यह आगे तो आवे वाले समय में बतावा जाई कहा जाई कि का पैसा और पदोहदा के नीचे वह युवती के पीड़ा दबी जाती कि वह युवती का न्याय मिला थी। लेकिन अपना पंच सोची कि एक दुष्कृत पीड़िता जब उनके अपन रिपोर्ट लिखवावे गए रही है अपने मौसी के साथ ही, तो एक देखी के पैसा के लालच में ही वह मौसी कौ में के ही वह युवती के सौदा कर दे थी और एक एसोसिए जौन के थाना अध्यक्ष जौने का लोगन के रक्षा करे का ही वर्दी मिली है वह तो उन कौ में के लोगन के भक्षक बन जात है। अपना देखी कि जौन जन सेवा देशभक्ति वाली भावना का केहू के अंदर बची है, अब हम ही तो नहीं लागे कि बची है। काहे के आज के डेट में एक आम इंसान जौन पीड़ित है वह थाना में जाए से डरात है कि का हमार शिकायत लिखी जाई, कहा वैसन तो नहीं कि हम थाना में ही अपन शिकायत लेके जाई और वहीं के एवज में ही हमका उल्टा पुलिस दोषी बनाए दे। बहुत ऐसा मामला है
कि जौने माही पुलिस बहुत ऐसा कृत्य करवा करा थी कि जौने माही जो फरियादी लेके जात है वो इनका दोषी बना दिन जात है। कई एक यमे के थाना में उदाहरण है। मैं खैर यह मामले में देखे वाली बात हुई कि 13 वर्षीय युवती के साथ इंसाफ होता है के एक साथ जाति यमे के होती। बने रहा हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंचन का ही हम दिखावत रहन बाढ़ टाइम्स में बघेली संवाद में यह ललितपुर के कहानी या कहानी से जुड़ी हर अपडेट दे। तब तक खातिर अपना पंचे हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।